हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर, आपका पीके इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जो टेंस की श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। आइए बिना समय नष्ट किए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उसका पहचान करते हैं, रिकग्निशन कहते हैं इंग्लिश में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों से हमें यह पता चलता है कि काम जो है वर्तमान समय में समाप्त हो गया है, कार्य वर्तमान वर्तमान समय में समाप्त हो गया है। और यह भी पता चलता है कि जो काम समाप्त हुआ है, समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुआ है, मतलब जल्दी ही कोई कार्य समाप्त हुआ है, ऐसा हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मिलता है। और जब इसका हम हिंदी पहचान करते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में लिया है, लिए हैं, ली है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई हैं, गए हैं, दिया है, दिए हैं, लिए हैं, गए हैं आदि शब्द आते हैं। या आप इतना ही ध्यान रखें, हिंदी वाक्य अंत में आ ए ई नामक स्वर से समाप्त हो तथा लास्ट में है शब्द दिया हो तो वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आगे देखेंगे, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का जब हम निर्माण करते हैं तो हम पाते हैं कि आई वी दे यू तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ जो प्लूरल्स नाउन्स होंगे उनके साथ हैव का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तथा ही सी इट और एक वचन संज्ञाओं के साथ हैज तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, आई हैव लर्न्ड माई लेसन। माला जा चुकी है, माला हैज गॉन। वह बाजार जा चुका है, ही हैज गॉन टू द मार्केट। वे घर आ गए हैं, दे हैव कम टू होम। तो यहाँ पर आपने देखा आई के साथ हैव, माला सिंगुलर है इसलिए हैज, वह सिंगुलर हैज, वे प्लूरल है इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि जो जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उसके साथ हैज नॉट तथा जितने भी प्लूरल नाउंस होते हैं, बहुवचन होते हैं, उनके साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। और निगेटिव सेंटेंस में येट का भी प्रयोग किया जाता है। इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि निगेटिव सेंटेंस में वो भी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ येट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने मेरी सहायता नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। तुमने अभी तक अपना पाठ याद नहीं किया है, यू हैव नॉट लर्न योर लेसन येट। और वे लड़के अच्छा खेले हैं, दोज बॉयज हैव प्लेड वेल। तो आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है तो देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से प्रारंभ होने वाले वाले वाक्यों का अनुवाद कर्ता के अनुसार हैज तथा हैव को सबसे पहले लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कोई हिंदी वाक्य है, अगर उसका निर्माण हैज और हैव से शुरुआत करते हैं, जैसे कोई हिंदी वाक्य हो और उसकी शुरुआत क्या से हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर है तो हैज और प्लूरल नंबर है तो हैव। जैसे क्या तुम घर जा चुके हो, हैव यू गॉन होम। क्या उसने आपको बुलाया हैज ही कॉल्ड यू। आगे देखते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे क्यों आदि वाक्य के बीच में आए हो तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार हैज और हैव का प्रयोग कर देते हैं। जैसे तुमने आज क्या खाया है, व्हाट हैव यू ईटन टुडे। यह कुर्सी किसने तोड़ी है, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर। और अगर इंट्रोगेटिव
और निगेटिव वाक्य दोनों साथ में हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या राधा ने खाना नहीं पकाया है, हैज राधा नॉट कुक्ड फूड। माली ने पौधों को पानी क्यों नहीं दिया है, वाई हैज द गार्डनर नॉट वाटर द प्लांट्स। तो इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हम अनुवाद करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। आप लोग भी खूब अध्ययन करें, प्रैक्टिस को करें, समझ में आ जाएगा। और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो कोई भी नया वीडियो में डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।